हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। गाइस, आप देखकर भी चौंक गए होगे, इतना बड़ा एरोप्लेन आपने कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तो आज मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है। तो गाइस, ये एरोप्लेन की विंग है और अभी गेट खुल चुका है एरोप्लेन का और मैं आ रही हूँ। अगर मेरी आइसक्रीम वाली टी शर्ट अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो चलते हैं हम लोग एरोप्लेन में। ओके, मैं लगेज यहाँ रख देती हूँ। ओ माय गॉड, एरोप्लेन तो टेक ऑफ करने वाला है। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ही हूँ पायलट। गाइज, मैं ही हूँ पायलट। तो चलो चलते हैं। ओ माय गॉड, अगर गलती से भी मेरे से कुछ बटन दब गया तो एरोप्लेन उड़ जाएगा और साथ के साथ एरोप्लेन उड़ जाएगा और फिर हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं कंट्रोल सीट पर बैठी ही नहीं हूँ अभी। अगर स्टार्ट का बटन दब गया मुझसे तो गलती से प्लेन उड़ जाएगा। तो गाइस, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सारे बटन्स लगे हैं, मैं कौन से बटन को दबाऊँ जिससे प्लेन उड़े, क्योंकि मैं उड़ाना चाहती हूँ। चलो हम चले। वो इधर मुड़ो। ओके गाइस, गाइस मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। गाइस, मैं आपसे ये बात कहना चाह रही थी, इस एरोप्लेन के जो मतलब अंदर के पार्ट को बोलते हैं, इसको कॉकपिट बोलते हैं। ओके, तो गाइस, ये पूरा कॉकपिट है। मैं जैसे बोलनी बारी, ये पूरा कॉकपिट है, लेकिन आप जरूर अच्छे से भूला। तो गाइस, अगर मैंने इसको अभी ऑटो मोड पर कर रखा है, मतलब अभी अपने आप चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही अभी, मैं ऑटो मोड पर कर रखा है मैंने प्लेन को। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। टिल द डे, डू लाइक, शेयर, कमेंट, विच इज यशस्वी 69 एंटरटेनमेंट। बाय।